नाज़रीन, सियालकोट की तहसील डस्का का एक बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद है जिसने अपनी मशीनों का जाल पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है, जिनका दावा है कि अगर कोई बेरोजगार मेरे पास आ जाएगा तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा। मन जद्दा वजदा कि जो कोशिश करता है वो पा लेता है, और कहा जाता है कि पहली सीढ़ी पे रख कदम, आखिरी पे रख नजर, मंजिलों की जिस्तों से हरगिज ना होना आशना। ये छोटे छोटे सेटअप हैं, यही वो सीढ़ियाँ हैं कि जहाँ पे आपको पहला कदम रखना है, और बड़े बिजनेसमैन बनने का अगर ख्वाब है तो यहीं से शुरू होना पड़ता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसको सेक्रेट रख जाता है, दूसरे को बताना गवारा नहीं करता। जैसे कि साबुन मशीन को ही ले ले, अगर कोई साबुन मशीन घर में लगा लेगा या कहीं पे उसने सेटअप लगाया हुआ, कहीं पे किसी और को इंटरव्यू नहीं होने देता कि कहीं मेरा बिजनेस आइडिया लीक ना हो जाए और कहीं और मेरा कंपिटिटर ना आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सोशल मीडिया का दौर है और ये सारी मालूमात और ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम सोशल मीडिया के जरिए नाज़रीन को बता रहे हैं कि ये सेटअप जो करोड़ों के बताए जाते हैं, ये छोटे से कम पैसे से किस तरह आप शुरू कर सकते हैं और कैसे अपना बिजनेस चला सकते हैं। सर, इस वक्त कौन कौन सी मशीनें मौजूद हैं जिनसे एक बंदा घर के कमरे से बिजनेस कर सकता है और अच्छी अर्निंग कर सकता है? जी, घर के कमरे से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आप साबुन बनाने वाली मशीन लगा सकते हैं, चप्पल बनाने वाली मशीन जो है ये लगा सकते हैं। उसके अलावा आप पैकिंग मशीन लगा सकते हैं जिसमें आप सरफ पैकिंग कर सकते हैं, छोटा सरफ का मुकम्मल प्लांट एक कमरे में लग सकता है आपका। और इसके अलावा निम्को पैकिंग का बिजनेस या निम्को मेकिंग जो है वो भी आप घर में कर सकते हैं। उसके बाद निम्को पैकिंग, उसके बाद मसाला जात की पैकिंग आप घर से कर सकते हैं। उसके बाद आप पेपर प्लेट बनाने का बिजनेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है आटा चक्की जो है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, बाद में लोगों का ये कॉन्सेप्ट बना होता है कि अगर हम थ्री फेज कनेक्शन लगवाएंगे, बड़ा मीटर लगवाएंगे तो फिर ही हम आटा चक्की का कारोबार कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि बहुत सारी छोटी आटा चक्कियाँ भी मौजूद हैं कि जो आप सिंगल फेज यानी घर की बिजली पर भी आप उन्हें चला सकते हैं, आप ये बिजनेस भी घर से कर सकते हैं। और टफ टाइल मेकिंग, वैसे तो ये बड़ा बिजनेस है, यानी 40-50 लाख रुपए तक भी मशीनरी लगती है टफ टाइल की। लेकिन अगर कोई छोटे लेवल पे करना चाहता है, यानी अगर कोई जाता है 3-4 लाख से भी उसका टफ टाइल का काम शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम छोटी मशीनरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो आपने घर में लगा के तो घर से ही काम कर सकता है। इस तरह यानी मल्टीपल मशीनें हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी मशीनें हैं कि चारा काटने वाली मशीन ले ले, मुख्तलिफ लोगों का चारा काट के भी अपना बिजनेस कर सकता है। इवन के जो आप फजूल चीज़ें समझते हैं, डेरे पे गोबर भर जाता है, गोबर से भी वो लकड़ियां बना सकता है, उससे भी अपना बिजनेस चला सकता है। इस तरह यानी बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं। आप अपने घर लेवल पे, छोटे लेवल पे भी ये काम करके अपना घर का सर्किट चला सकते हैं। एक बंदा मशीन ले तो लेता है, फर्ज करें कोई भी मशीन ले ली उसने, फर्ज करें साबुन ही बना लिया, इसकी ये मार्केटिंग कैसे करेगा, सेल कैसे करेगा? जी, मार्केटिंग शुरू में आता तो है मसला, लेकिन जो थोड़ा झिझक लेस हो जाते हैं और जिन्हें जुनून होता है कि हमने काम करना है, वो मार्केटिंग कर लेते हैं। पहले जब आप न्यू ब्रांड लेके जाते हैं थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब आप दुकानदार के पास मुसलसल जाते रहते हैं, हर वीक जाते हैं उसके पास, तो दुकानदार जो है वो भी आपसे मानूस हो जाता है ऐसा, और आपकी जो है प्रोडक्ट रखने लग जाता है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो बड़े ब्रांड हैं साबुन के, वो दुकानदार को बमुश्किल 3 या 4 रुपये दे रहे होते हैं, जबकि आपको साबुन सस्ता पड़ रहा है, आप 5 रुपये तक भी दे सकते हैं, 6 रुपये तक भी दे सकते हैं, या इससे भी मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वो तब पड़ता है कि जब आपका ब्रांड चल जाता है, बड़ा बिजनेस हो जाता है, उस वक्त गवर्नमेंट भी आपकी तरफ मुतहरक होती है। लेकिन तब तक आपका बिजनेस चल चुका होता है, आपको टैक्स देते हुए कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो बड़े ब्रांड है वो तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, इस वजह से उनके रेट जो है वो ज़्यादा हाई होते हैं, दुकानदार को प्रॉफिट कम दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप घर में साबुन तैयार करके दुकानों पर पहुँचाते हैं, और उस सूरत में क्योंकि अभी आपको टैक्स नहीं पड़ रहा होता, इस वजह से आपका साबुन भी सस्ता पड़ रहा होता है आपको, और आप उतना मार्जिन दुकानदार को देके आसानी से बिजनेस चला सकते हैं। सर, शॉर्ट रिव्यू करते हैं, छोटी छोटी मशीनें हैं, एक कमरे में 5 भी रखी जा सकती हैं, और उनसे बंदा एक एक करके बता दें कि कितने की मशीन आएगी और उससे वो कितनी अर्निंग कर सकता है। साबुन बनाने वाला जो ये सेटअप है, ये भी एक कमरे में लग जाता है। इसमें एक प्लॉडर होता है, एक कटर होता है, एक मिक्सर होता है, एक पंच मशीन होती है, एक डाई, ये 5 चीज़ें मिला के एक सेटअप बनता है जो कि एक कमरे में लग सकता है। ये सेटअप जो है आपके 4.5 लाख रुपए में भी तैयार हो जाता है और 6 लाख रुपए में भी तैयार हो जाता है।
यानी वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ ऑटो कर रहे हैं, कौन कौन सी जो है वो मैनुअल कर रहे हैं, उस हिसाब से रेट जो है वो फाइनल हो जाता है। पेपर प्लेट का आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, इसकी मशीन कितने की आती है और कैसे इससे अर्निंग की जा सकती है? पेपर प्लेट की मशीन वैसे तो सस्ती भी तैयार कर दी जाती है, 1.5 लाख 1 लाख 80 हज़ार रुपये में भी तैयार कर दी जाती है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज काफ़ी हल्की हो जाती है। लेकिन जो अच्छी मशीन है वो 2 लाख 20 हज़ार रुपये तक तैयार की जाती है, जो आपको अच्छा बिजनेस दे सकती है और देर पर चल सकती है। तो इससे आप एक दिन में तकरीबन कह सकते हैं कि 15 से 16 हज़ार प्लेटें तैयार कर सकते हैं। तो प्लेटों के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या ज़रूरी होता है जी? इसमें मिसप्रिंटेड गत्ता जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, यानी जो गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री है वहाँ पे कुछ लोगों ने, कुछ कंपनियों ने अपने नाम का गत्ता बनवाया होता है, लेकिन वो बाद में उठाते नहीं है या मतलब कोई मिसप्रिंट हो जाता है तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। अगर तो वो मिल जाए तो वो तो अराउंड 50 से 60 रुपये तक भी मिल जाता है, और अगर आपको न्यू लेना पड़े तो फिर ये 80 से 90 रुपये तक आपको गत्ता मिलता है, फिर आप उसकी पेपर प्लेट बना सकते हैं। बंदा मशीन तो ले लेता है लेकिन उसे तरीका इस्तेमाल ही नहीं आता, उनसे चीज़ें बनानी नहीं आती, उसका क्या हल है? डस्का इंजीनियरिंग का यही मिशन है जी, ना सिर्फ मशीनें बेचनी है बल्कि सिखाना भी है। सिखाने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल, यानी अपने चैनल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी बाकायदा हम इतवार को क्लास रखते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। इतवार को 11 बजे यहाँ पे तशरीफ लाएं, यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं मशीनें चलते हुए। काफ़ी सारे कारोबार ऐसे हैं जो मर्द हज़रात कर सकते हैं, इन मशीनों में से कोई ऐसी मशीन है जो घर में ख़वातीन भी उससे अपना कारोबार कर सकें? जी बिल्कुल, ख़वातीन भी लेके जा रही हैं, जैसे पैकिंग मशीन है, ये भी बस ख़वातीन ने ही घरों में लगा रखी हैं, उसमें मल्टीपल चीज़ें वो पैक कर लेती हैं, उसमें मार्केट से बनी बनाई निम्को भी मिल जाती है। अगर आप निम्को पैकिंग का खुद सेटअप लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी लगा सकते तो निम्को बनी बनाई उठाएं फिर उसे पैक कर लें, यानी बना नहीं सकते तो कम से कम पैक ज़रूर कर सकते हैं। और पैकिंग मशीन अगर आपके पास मौजूद है तो उस सूरत में आप एक नहीं बल्कि कई कारोबार कर सकते हैं। निम्को का कारोबार अगर आपको पसंद नहीं है, आप मसाला जात की पैकिंग कर सकते हैं, आप सरफ भी बनाना आसान है, एक मिक्सर ले लें, मिक्सर के ज़रिए वो भी प्रॉपर सिखा दिया जाता है, उसको तैयार करें, उसकी पैकिंग करें, सरफ की पैकिंग करें, मसाला जात की पैकिंग करें, पॉप्स की पैकिंग करें, चिप्स वगैरह बना के, यानी मल्टीपल चीज़ें हैं जो पैकिंग मशीन अगर आपके पास है तो उनका कारोबार किया जा सकता है। अगर प्राइस की बात करें पैकिंग मशीन की तो वो कितने की होती है? पैकिंग मशीन की प्राइसेज जो हैं वो 2 लाख से शुरू हो जाती हैं और 4 लाख रुपए तक इनकी प्राइसेज हैं, वो मुख्तलिफ क्वालिटी के हिसाब से मुख्तलिफ रेट हैं उनके। छोटी इंडस्ट्री घर में आप 55 हज़ार रुपये से भी लगा सकते हैं और बड़ी से बड़ी ये 10 लाख रुपये तक भी सेटअप लग सकता है। 10 लाख तक अगर लगाते हैं उसमें आपका SM आ जाता है, एलिवेटर आ जाता है, आटा चक्कियाँ आ जाती हैं, छन्ना आ जाता है, और यानी ये सारा ऑटो सिस्टम हो जाता है तकरीबन 10 लाख रुपए में, और 55 हज़ार रुपये में आप घर के एक छोटे से कमरे से रख के आप काम कर सकते हैं। 55 हज़ार लगा कर मंथली अगर इनकम की बात करें तो एक घंटे में ये 1.5 मंथ तक पिसाई कर सकती है, 1.5 से 2 मंथ, ठीक है। अगर 10 घंटे आप चला रहे हैं मतलब ये हुआ कि 15 मंथ तक पिसाई करेगी, 15 मंथ से अगर आप 100 रुपया पर मंथ भी बचा लेते हैं, मजदूरी वगैरह खर्चे तो जो हैं वो तो अलग-अलग से काट की जाती है, उसमें से निकल जाते हैं, ये जो 100 रुपया मान लिया जाता है ये आपकी मजदूरी ही होती है, ये जो है आपको प्रॉफिट मिल जाता है 1500 रुपये पर डे तक अगर छोटा सेटअप है, अगर बड़ा लगा लेते हैं तो उससे ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। वेल एंड गुड सर, लेकिन हमें एंड पे एक मशवरा दे दें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बेरोजगार देख रहे हैं, वो टेंशन में हैं कि हम कौन सा बिजनेस करें, उनके लिए एक बेहतरीन मशवरा दे दें। जी मन जद्दा वजदा कि जो कोशिश करता है वो पा लेता है, और कहा जाता है कि पहली सीढ़ी पे रख कदम, आखिरी पे रख नज़र, मंजिलों की जिस्तों से हरगिज़ ना होना आशना। ये छोटे छोटे सेटअप हैं, यही वो सीढ़ियाँ हैं कि जहाँ पे आपको पहला कदम रखना है, और बड़े बिजनेसमैन बनने का अगर ख्वाब है तो यहीं से शुरू होना पड़ता है। जितने भी बड़े बिजनेस उठा लें उनकी हिस्ट्री को देख लें, उनके मालिकान की हिस्ट्री को देख लें, कोई किसी के पास मुलाजमत कर रहा होगा, कोई एक छोटा सा रेडी लगाने वाला होगा, लेकिन आस्ता आस्ता ये बड़े सेटअप पे चले जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो ब्रांड बड़ा मौजूद है तो हम छोटा सेटअप क्यों शुरू करें? तो जनाब
एक दिन था कि जब वो ब्रांड भी जो है वो छोटा सेटअप ही था, तो आप ये छोटे सेटअप लगाएं और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप भी बड़े सेटअप के मालिक होंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने हमारे व्यूवर्स को अच्छे अच्छे मशवरे दिए, बिजनेस आइडियाज दिए। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही दें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।